जिस तरीके से आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि लगातार अभ्यर्थी जो है आज टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022 का मुख्य एग्जाम था, आज 27 अगस्त को, और अभ्यर्थियों ने काफी एग्जाम सेंटर पर जहां पे फर्जीवाड़ा देखने को मिला, वहीं से अभ्यर्थी जो है अपने यूट्यूब अकाउंट या फिर हम बात करें ट्विटर अकाउंट से, हर प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करें कहां कहां पे जो है ये फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ रहा है, तो आप यहां पे देख सकते हैं BKIT कॉलेज कोटा में पेपर कैंसिल हो गया है, ना ही कोई बायोमेट्रिक हुआ है, कंप्यूटर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी ऑटोमेटिक यहां पे चल रहा है, यानी कि कंप्यूटर जो है काफ़ी जगह काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज भी, ये वीडियो भी आ रहा है टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में, और फर्जीवाड़ा कोटा को ले कोटा से जो है ये आ रहा है BKIT सेंटर से जो है ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो है। इसके अलावा हम बात करें KIMPS से भी आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़ों को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने काफ़ी जगह से जो है यहाँ पे वीडियो बना के सेंड किया है, ताकि जहाँ पे जो है फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेके यहाँ पे अभ्यर्थी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई है, किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ढिलाई जो है बरती गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा में कोकस से भी जो है यहाँ पर संकरा इंस्टीट्यूट में फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो आप देख सकते हैं लगातार हर जगह से जो है यहाँ पे फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेके लगातार जो है अभ्यर्थी अब परीक्षा कैंसिल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो है फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा रद्द हो, या फिर जिन सेंटरों में फर्जीवाड़ा हुआ है सिर्फ उन्हीं सेंटरों को रद्द करके उनका एग्जाम दोबारा से लिया जाए, या सभी का एग्जाम रद्द हो, सभी का एग्जाम दोबारा से हो। आपकी जो भी राय है टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।